वेलकम टू शोज किचन। आज हम बना रहे हैं दूधी का हलवा। यह है 1 kg दूधी। इसके ऊपर का जो स्किन है वो हमने निकाल दिया है और जो सीड्स है उसे भी अच्छी तरीके से निकाल के इसे कद्दूकस करना है। आफ्टर पीलिंग ये 600 ग्राम्स है। इसे कद्दूकस करना है और इसे अच्छे से इसका पानी निकाल देना है। घी लगेगा इसमें 350 ग्राम्स। मावा है ये और ये है आलमंड और कैश्यू नट्स जो हमने इसे बारीक बारीक काट के रखा है। और इसमें इलायची का पाउडर लगेगा थोड़ा सा। और ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम पहले दूधी डाल देंगे, घी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। पहले दूधी का अच्छी तरीके से पानी सोक कर देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसमें हम सारी चीज़ें धीरे धीरे से डाल देंगे। ये दूधी का पानी सूख चुका है, मतलब है इसमें अभी थोड़ा सा पानी। इसी के साथ में शुगर भी डाल देंगे क्योंकि शुगर में भी काफ़ी पानी निकलता है। तो ये 100 ग्राम्स शुगर है इसके लिए। अगर आप कमती डालिएगा, अगर आपको मीठा ज़्यादा लगता है तो और थोड़ा डालिए, मगर मेरे यहाँ पर बहुत ठंड कमती शक्कर खाते हैं तो इसके लिए मैंने सिर्फ 100 ग्राम्स डाला है। अभी मैं इलायची डाल रही हूँ, ये मेरा होममेड इलायची, ओनली इलायची है। उसे हमने मिक्सर में ड्राई पीस के रखा हुआ है। तो इसको आप 1/2 टेबल स्पून इलायची डाल देंगे। देखिए शुगर डालने से इसके अंदर फिर से पानी आया है। तो इसे पूरा पानी को ड्राई करना है, पूरा वाटर जो है उसे अच्छे से ड्राई करना है। और ये कद्दूकस किया हुआ है तो जल्दी से पक जाएगा, तो इसे हाई फ्लेम में ही रखना है। देखिए शुगर का पानी काफी सूख गया है इसमें। अब इसमें हम मावा डाल देंगे। मावा को भी अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अगर आपको कमती मावा डालना है तो आप डाल सकते हैं, मेरे यहाँ पर ज्यादा मावा वाला पसंद करते हैं, इसके लिए मैं मावा थोड़ा ज्यादा डालती हूँ। अब इसमें अब असली घी डालोगे 2 टेबलस्पून। मावे में से भी घी निकलता है, ये काफी रिच होता है, रिच हो जाएगा। इसके लिए ज्यादा घी नहीं डालना है अपने को। अब इसे अच्छे तरीके से भूनना है। जब पूरी तरीके से घी ऊपर आ जाएगा, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स हम डाल के इसको गार्निश करेंगे। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। देखिए ये भून चुका है, चारों तरफ इसके घी ऊपर आ रहा है। अब इसे हम डिश आउट कर देंगे और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। देखिए हमने अभी इसे डिश में सर्व कर दिया है, ये रेडी हो चुका है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। Thank you, viewers.